सब बोलो ओम शांति। अच्छा, और क्या याद किया है? ओम शांति तो सबके मन में बैठ गया है ना? हाँ, हर पल, हर घंटे, हर मिनट अंदर से निकलता है ओम शांति। ये मीठा मीठा मंत्र भगवान ऐसा सिखाता है, जब कौन मैं कौन शांत स्वरूप हूँ। मैं सुना है, मैं और मेरा दोनों चला गया ना, परसों की बातें याद है ना, हम भूल तो नहीं गए ना। हाँ, दुख चिंता भय चला गया ना। हाँ, स्नेह सच्चाई प्रेम आ गया ना, आया आया, दुख चिंता भय गया। हाँ, कभी कोई दुख तो नहीं करेगा ना, किसकी चिंता तो नहीं करेंगे ना, चिंता ता क्यों करें किसकी। चिंता करने वाला जो है कुछ काम कर सकता है? चिंता जैसी बीमारी नहीं होती है, एक बीमारी है चिंता करने की। चिंता की बात नहीं होती है, पर चिंता बहुत करते हैं, अपनी भी करते हैं, दुनिया भर की चिंता करते हैं। तो उसके बदले भगवान क्या सिखाता है? तो मेरे चिंतन में रहो, मेरे चिंतन में रहो, तो मैं तुम्हारा साथी हूँ। गीत क्या सुना? भगवान मेरा साथी है, उसको चिंता काहे की। जिसका साथी स्वयं भगवान, उनको क्या करेगा आंधी और तूफान, कुछ भी हो जाए। तो भक्ति मार्ग में जो कहानियाँ पढ़ते थे ना, सुनते थे, वो कहो मेरी कहानी है। हमारे जीवन में जिसके साथ भगवान स्वयं है, शांत में बैठ जाओ, छोड़ो कैमराओं को, बैठो 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 बैठो, अभी बैठना, आराम से बैठो। जितना शांति से रहना सीखेंगे, उतना भगवान को प्यार से सहज याद कर सकेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है किसको? जिसका दुनिया में लगाव होता है बहुत। कोई बात छोड़ने नहीं चाहता है, बात पूरी भी हो गई पर बात को पकड़ के बैठते हैं। कोई शरीर छोड़ के भी चला गया पर तो उसको याद करते रहते हैं। वो भगवान को कैसे याद करेंगे? अगर भगवान को याद करने वाला कौन हो तो भाग्यवान। भाग्यवान कौन? जो अपना संकल्प और समय व्यर्थ न गमाए। बस समझे, मेरा संकल्प जो अंदर ख्याल है ना, वो फालतू न जावे। मेरा जो सेकंड समय है ना, फालतू न जाए। तीन तन मेरा है, चाहे तो इस कर्म इंद्रियों से अच्छा कर्म करूं या बुरा कर्म करूं। आंखें मेरी है, मुख मेरा है, कान मेरा है ना? हाथ मेरा है, चाहे तो इनसे दान करूं चाहे चोरी करूं। चोरी करने से हमारे पास पैसा आ जाएगा और दान कर से जाएगा, पर खुशी किस में होगी? दान करने। अच्छा, भले कोई ना देखे, भला अच्छा हो, खुशी बहुत। यहाँ दान किया, यहाँ से खुशी हुई, यहाँ दिल को। चोरी कही यहाँ, अंदर डर लगा, यहाँ किसी ने देखा तो नहीं, कोई अचानक पुलिस आ जाएंगी, हाँ मेरे लिए पुलिस आ गई, डर लग गया। तो चोरी तो किया लोभवश, दान किया
अरे थोड़ा देंगे, भगवान देता है ना। हाँ, वो दान करने से सुख मिला। तो हम क्या बताती हूँ आपको, ये थोड़ी बात, एक कभी झूठ नहीं बोलना, असल नहीं, कुछ भी हो जाए। कहीं है ना, सच बोलने की ताकत नहीं होती है, डर लगता है सच कैसे बोलूं। अरे सच बोलना होता है थोड़ा, झूठ बोलना है बहुत। जो झूठ बोलता है ना, तो विश्वास किसका, ये तो सदा ही झूठ बोलता है। जो सच बोलता, अरे सारी उम्र ये तो सदा ही सच बोला है, वो कितना प्यारा होगा। तो कोई बात का अंदर से पक्का संकल्प कर, मैं कभी, हमारी दादी ने, कल दादी आपसे दृष्टि लेंगी, मिलेंगी, महामंडलेश्वर आए थे यहाँ, दादी ने बोला कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने कहा दादी मैंने कभी चोरी भी नहीं किया है, कभी निंदा भी किसकी नहीं किया है, कितने सुखी है। चोरी वाला हमारे पास होगा कितना टाइम चलेगा। मैं चोरी वाला अपने बच्चों को खिलाया, इसको खिलाया, उनके मन का क्या हाल होगा। झूठ बोलने से क्या नुकसान कितना है, सच बोलने से फायदा कितना है। भगवान को कौन चाहिए, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, पर सच्चाई चाहिए। सच्ची दिल से भगवान को याद करो ना, सामने आ जाता है। हिम्मत रखो ना, मदद करता है। तो तीन बातें हमारे अनुभव में है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, भगवान मदद करता है, बहुत करता है, पर हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी हो जाए, सब गुणों में हिम्मत सबसे बड़ी। देखो कि कोई चोरी करता है हिम्मत होती है, लड़ाई करता है हिम्मत होती है, पर अच्छा बनने की हिम्मत चाहिए। कुछ भी हो जाए, ना उम्मीद कभी नहीं होंगे, मैं कर सकेंगी या नहीं, ज़रूर कर सकेंगी, भगवान की मदद है, बस ख्याल आएगा ज़रूर अच्छा होगा, भगवान की मदद है, अंदर का आवाज़ निकलता है, करता है। साधारण कर्म करने में या बुरे कर्म, भगवान मदद करेगा, कहेंगे तुम्हारा कर्म तुम भोग। पर अच्छा करने, भगवान अच्छा करने की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, तो भगवान तो उसको मदद करेगा, कोई न कोई तरह से उसकी रुकावट नहीं आएगी, कोई रोकेगा नहीं अच्छे कर्म करने से। हम ही कहेंगे कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, इच्छा तो है परंतु, अरे इच्छा तो है तो कर। अच्छा कर्म करने वाली आत्मा भाग्यवान है, उसमें गुण भी आ जाते हैं, शक्ति भी आ जाती है, और सबका उसके साथ संबंध में कहेंगे ये अच्छा कर्म करे, हम उसको मदद को रोकेंगे नहीं। तो किसी कारण से भी बुरा कर्म मुझे नहीं करने का है, तो क्या होता है, वो आदत पड़ जाएंगे अच्छे कर्म करने की। बुरे कर्म की भी आदत होती है, जन्म से कोई जानता थोड़ी बुरा कर्म क्या होता है, कुछ नहीं बेचारा बच्चा जानता है, झूठ बोलना भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। थोड़ा बड़ा होता है, बीड़ी सीखता है, पीता है, शराब पीता है, कहाँ से सीखा ना। उसमें एक भाई था, तो उसको जब 70 साल की पहले की बात है, 70 ईयर्स पहले की, सिंध में क्वेटा होता था शहर, जो ठंडा शहर था, तो
तो उसको नौकरी मिली वहाँ, 17 रुपये पगार, तभी तो 17 रुपये भी बहुत बड़ा था। जवान था, जब देखा तो ठंडा शहर है क्वेटा में, रेल में चढ़ा तो अंग्रेज लोग थे, उसको सिगरेट दिखा मुंह में, तो समझा ये गर्म रहने के लिए शायद सिगरेट पिया जाता है। अभी क्या किया उसको, देखा टेस्ट क्या है सिगरेट की, तो किसी ने सिगरेट फेंका, पर उठा के खुद चला पिया, आदत पड़ गई सिगरेट पीने की, कभी उसने पिया ही नहीं था। जब वापस सिंध में जा रहा था अपने देश में, तो अंदर से मन आया मेरी माँ मुझे क्या कहेंगी। माँ ने कहा था बेटा तुम किसका जूठा नहीं खाना, मैंने जूठा सिगरेट पिया, बहुत उसको दुख हुआ, माँ को क्या क्या बताऊंगा जा करके। तो उसे गरीब पश्चाताप किया। तो मैं ये बुरी आदत जो पड़ी मैं छोड़ के भगवान से माफ़ी मांग करके फिर माँ के पास जाऊँगा। तो माँ को जा कर के बताया, माँ मैंने ये पाप किया, भूल किया है। वो अभी शरीर में छोड़ दिया, पर मेरे को बताया था तुम सबको मेरी बात सुनाना। उसके बाद बड़ा हुआ, बड़ा बिजनेस किया, कैम्बोडिया में बहुत बड़ा बिजनेस था, बॉम्बे में बहुत बड़े मकान थे, पूना, पर उसकी माँ का दुआएं मिली बहुत। उसके फैमिली में किसी को सिगरेट पीना शराब पीना उसको मना था, कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो माँ की इच्छा थी तो बेटा मार्बल का बड़ा भारी बंगला बना दो। तो माँ का सूक्ष्म दुआओं भरा संकल्प, मार उन जैसा बंगला पुणे में किसका नहीं था, ऐसा बंगला बनाया माँ के आज। क्यों, आदत जो कोई भी खराब आदत है ना, वो सारी स्वयं की भी इज्जत गमाता है, फैमिली को भी क्या सीखेगा फैमिली। उसके नंबर वन फैमिली भले विदेश में भी गया, उधर भी गया, बहुत पैसा कमाया, पर फालतू चीज़ों में नहीं कमाया। बहू थी, बेटे थे, सब थे, पर सब सुखी। आज दिन तो सुखी है, कहेंगे हमारा बाप ऐसा था ना, तो पहले उसको अच्छा समझ में नहीं आता था ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कर रही है। जब देखा ना ये बुरी आदतें छुराती है, ज्ञान ब्यान नहीं सुना था, बुरी आदत छुराती है। तो मैंने नहीं समझा था इस भाई को अंदर ही अंदर कोई देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। बहुत उसका अंदर से जैसे पैसे वाले लोग हैं, अपना दुनिया में मान शान है, तो कभी उसको इच्छा भी नहीं थी तो हमारे से मिले। एक बारी मुझे मैसेज भेजा, साहब आपसे मिलने चाहता है। मैंने कहा अच्छा, बोला बहन मेरी बेटी को तुम अपने जैसा बना दे। उसकी बेटी शादी की भी थी, उसका पति शराबी था, बहुत दुखी थी। कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बेटी को तुम अपने जैसा वाइट कपड़े पहना दे। बेटी अजब खाया, मेरा बाप कैसे कहता है, दुनिया को देते कहते तुम्हारे पास होंगी सुखी होंगी, मैं इनको दुखी देख नहीं सकता। वंडर खाया, फिर उसके पास बहुत ज्वेलरी थी, बहुत कपड़े थे। तो मैंने कहा उस लड़की को, मैंने कहा तुम सब वापस कर दो, हमारे पास तो ज्वेलरी चाहिए नहीं कपड़े चाहिए। सब बाप के घर वापस कर दिया। कहा बड़े सुखी आप लोग हैं, भले कितना कपड़ा है, कितनी ज्वेलरी है, भले कर भंगुला है, सब कुछ है, पर मेरा पति जो शराबी है मैं बहुत दुखी हूँ।
तो यहाँ बाबा के घर क्या सीखते हैं, कोई बुरी आदत न हो, खाना पीना शुद्ध हो, खाना है तो देवताओं को भोग कैसे चढ़ाते हैं, हम बैठ कर के ये खाएं, मांस मच्छी खाएं, तंग पत्ता है, यहाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, कई लोग पूछते प्याज लहसुन खाओ ना, ना ना ये भी तामसी है, हमको सत्व प्रधान बनना है, तो जिसको सत्व प्रधान बनना, सत्व अच्छा बनना है तो भोजन सत्वगुरी भगवान के याद में बनाया। हम विदेश में जो होती हूँ ना, कभी किसी को हम बाहर की मिठाई नहीं खिलाई होंगी ना, कह लगे तो अच्छी जीवन जीना है, भले कितनी भी आयु हो, पता है क्या, कहीं छोटे आयु में भी शरीर छोड़ देते हैं, कोई बड़े बूढ़े होकर के छोड़ते हैं, पर सदा जीवन में औरों के लिए ऐसा मिसाल बनो, खुद ऐसा रहूं जो सदा सुखी रहूं। सुखी रहेंगे सच्चाई से, सफाई से, सादगी से, जितना सिंपल रहो तो क्या है, सुना ना, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, वहाँ हमारा धन होगा, सुना ना, धन कहाँ जाएगा, जहाँ मन होगा, मन ईश्वर में होगा धन कहाँ जाएगा, तन कहाँ जाएगा, अभी तन यहाँ बैठा है, मन पता नहीं कहाँ भाग रहा है, तो धन भी वहाँ कहाँ जा रहा है, आता कैसे जाता कैसे, मेहनत कितने कमाते कैसे है, गमाते कैसे है, यहाँ फायदा ये है हमारा तन कहाँ है, मन कहता है तू इस तन में बैठी हुई हो ना आत्मा, इस तन से में बैठे भगवान को याद करो और अच्छी सेवा करो, भले पैसा कमाते हो तो भी सफला करो, अब बाबा हमको एका नामी भी सिखाते हैं, बहुत बहुत, आप सोचो कि कोई मित्र संबंधियों को होटल में जा खाना खिलाओ कितना खर्चा आएगा, वहाँ 5 को खिलाओ घर में 50 को खिलाओ, किसके पास कोई ऐसा कुछ भी? जो कुछ बाहर में फालतू खर्चा इंसान कितना करता है, टाइम मनी और एनर्जी दोनों मुझे सफली करनी है, बस मन ने फैसला कर लिया, कोई पूछते हैं हमारे से तुम्हारे में ये शक्ति कहाँ से आई है, पता है 88 एज है, सारी विश्व घूमती हूँ, भगवान घुमाता है, टाइम मनी एनर्जी सफली हुई है, जो गरीब थे गरीब का खर्चा हुआ होगा ना, उतना खर्चा भी नहीं हुआ होगा, क्या करेंगे, मैं क्या करेंगी, आए थे हाथ खाली, कुछ लेके नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या करेंगे, कुछ कोई भी चीज़ हमारे अर्थी में रखेंगे, सोना चांदी रखेंगे, बाकी लेके जाएं तो क्या, अच्छे कर्म का जो मेरा भाग्य है वो साथ जाएगा, तो हम बचपन से ले बहुत काल से मेरे ईश्वर की स्मृति रहे, शरीर छोड़ू ना तो परमात्मा के याद में छोड़ू, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, मुझे सुख है शांति है प्रेम है खुशी है शक्ति है, क्या चाहिए, तो संसार में रहने के लिए कोई आदत नहीं हो खराब, दूसरा नियम अनुसार सवेरे उठना, सवेरे पता है ना सभी हम 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे योग में बैठते हैं,
रात को पहले समझते थे जल्दी सोना है, कई बार 11 बज जाता है, परंतु नियम अनुसार उठेंगे जरूर। 4 बजे शिव बाबा को याद न करें तो अच्छा नहीं लगेगा। 6:30 क्लास में पढ़ेंगे, आएंगे जरूर। अभी तक मैं स्टूडेंट हूँ, 4 बातें ध्यान पर है, एक ईश्वर का बच्चा हूँ। तो कभी ये नहीं होता मैं बुढ़ा हुआ हूँ, बुढ़ी हुई हूँ, ना ना ना, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। दूसरा, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, भगवान पढ़ा रहा है। भगवान कहते हैं ये पढ़ाई पढ़ते 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 तुम संपूर्ण देवता बनना है, तुमको डिग्री पास करिए, ये पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ, ऐसी पढ़ाई पढ़ो। तीसरा, मुझे ऐसा संसार में मिसाल बनना है जो औरों को प्रेरणा मिले, करने का शक्ति मिले। चौथा, इंस्ट्रूमेंट बनना है, सेवा अर्थ निमित्त बनना है। तो 4 बातें, भगवान का बच्चा हूँ, समझ में आ रहा है ना भाषा? हाँ, भगवान का बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट माना होमवर्क करे, सदाई टीचर को याद करे, मुझे पढ़ाने वाला भगवान स्वयं है। भगवान कहता है दिन भर कर्म करो पर योगी रहो, संबंधों के साथ रहो पर मोह माया से दूर रहो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उन 5 विकारों से अपने आप को बंधन से फ्री कर दो। 5 विकार एक जेल में बांध करके बुरे कर्म कराते हैं, उसमें भी अभिमान मुख्य है, जो झूठ चोरी सिखाता है, पाप कराता है, कोई गलती करता है उसे बदला लेने के लिए ऐसे ऐसे ख्याल आता है, ना ना। तो मुझे अंदर में क्या करने का है? ऐसा शांत प्रेम आनंद वाली आत्मा बनूं, मैं भी सुखी रहूं, भगवान का मुझे प्यार मिले, शक्ति मिले, तो जहाँ संसार में हूँ सब मेरे संग में सुखी रहे। उसके लिए तो ऐसा बनने के लिए 2 गुण सदैं रखना ध्यान पर, एक संतुष्ट रहना, दूसरा सहनशीलता का गुण धारण करना। जो सहनशीलता का गुण है ना, कभी किसी के भी कुछ भी होता है दुख नहीं होता है, पर अच्छा चलो कुछ ने कुछ कहा ठीक है ओके। उस जैसे सहनशीलता के गुण वाला सच्ची दिल वाला, उसके भगवान की शक्ति है, कोई बात नहीं। 2 शब्द किसने बोला ना, फिर रिटर्न में मैं 2 शब्द बोलूं कभी नहीं बोलेंगे, सोचेंगे भी नहीं, उदास भी नहीं होंगे, किसको सुनाएंगे भी नहीं, भाई इसने मेरे को कुछ कहा कुछ किया ना, कोई कहेगा नहीं कोई बड़ी बात नहीं है छोड़ दो। तो सहनशीलता का गुण भी सुखी बनाता है। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, किसी से भी अपना भेंट नहीं करना, भले इसके पास महल मारिए भले हो, इसके पास अच्छे कपड़े कार गाड़ी है, मुझे नहीं है, कोई हर्जा नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। अब देखें किसके पास कितना भी होंगे कहे और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, न खुद संतुष्ट रह सकता है न कोई उसको संतुष्ट कर सकता है, इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा होता है। माँ बाप बच्चों से खुश नहीं, बच्चे माँ बाप से खुश नहीं, मियाँ बीबी आपस में खुश नहीं, क्यों? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है ना, हम पहले पंजाब जाती थी, फैमिलीज के घरों में जाकर सिखाती थी,
भाई जितना भाई की तनख्वाह है उसी अनुसार तुम घर का खर्च कर रख, पर नहीं जितनी तनख्वाह है उनसे ज़्यादा खर्चा तो घर में झगड़ा होता है। पर माता वो जितना कमाई है उसी अनुसार घर खर्च रखे, थोड़ा बचा के रखे, टाइम पर मदद करे। तो किसी के घर को देख करके हम कहेंगे हमारा फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। तो ज्ञान क्या कहता है, बाबा क्या सिखाता है, बच्चे स्वयं सुखी रहो, परिवार को सुखी रखो, तो दुनिया में सब सुखी, तुमको देख तुम सुखी हो, कोई तुमको दुख नहीं आएगा। दो गुण हमने देखा है, जिसमें सहनशीलता है उसके साथ सबके साथ मित्रता भाव है, कभी उसका कोई दुश्मन बनता ही नहीं है। और सहनशीलता नहीं होती है तो बड़ा सेठ होगा तो जल्दी गुस्से में आ जाएगा, अपने नौकरों पर गुस्सा कर लेगा, बहन होंगी बच्चों पर कर लेंगे, थोड़ा तो ठीक रखो ना। इसलिए हम हमेशा समझती हूँ योग्य बनना है माना शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा कल्याणकारी है। वो कहते हैं बच्चा तुम एक तो शुद्ध रहो, शांत रहो, प्रेम स्वरूप रहो, तो शक्ति मैं दूंगा, बहुत शक्ति आती है। शुद्ध अंदर में शुद्ध, कोई बुरा विचार नहीं, कुछ भी हो जाए, बुरे विचार करने की जो आदत है ना तूफान मचाता है, तो बस नींद पिट जाएंगी। जब तक किसको सुनाएंगी नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तब तक नींद नहीं आएगी, सपनों में भी चिल्लाएंगे। कोई ऐसे होते हैं मुख से गुस्सा नहीं कर सकते हैं तो नींद में गुस्सा कर लेंगे किसके ऊपर। अपन को संतुष्ट रहने से, सहनशीलता को धारण करने से लाइफ में बड़ा सुखी है। तो अभी यहाँ से क्या सीखे, सुख अंदर होता है, दुख भी अंदर होता है। हाँ, कोई कहता है आज मुझे बहुत दुख हुआ है, कहाँ से दुख हुआ, बाहर बात अंदर ले लिया, दुख आया तो अशांति भी आई, पर है तो बाहर की बात। तुम बाहर अंदर जितना शांति और तुम प्रेम अंदर रखो तो बाहर शांति प्रेम आ जाएगा, समझ रहे हो ना। एक बुक लिखा है इनसाइड आउट, जो बात बाहर की है वो अंदर ले लेंगे ना, अंदर क्या होगा, अंदर खोल के देखो, सारे संसार की बात अंदर में है, अपनी भी है, पराई भी है, दुनिया की भी है, पुरानी बातें भी है, सब अंदर में है, तो अंदर शांति बिचारी रहे कैसे, शांति रहती नहीं है। अभी उसको बाहर निकाल के फेंको, ये बाहर की छोड़ो 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 छोड़ो, अच्छा भूल जाओ, छोड़ दो छोड़ दो, भूल जाओ छोड़ दो, अंदर शांति आ गई, खुशी आ गई, प्यार आ गया। पर कोई भी मेरे सामने आया तो उनको वो मिला जो मेरे अंदर, वो बाहर है, जो अंदर है वो यहाँ से छिपता नहीं है ना? कोई अंदर में खराब दृष्टि वाला है वो दिखाई पड़ता है, कोई अंदर से दयावान है वो भी दिखाई पड़ता है ना? ये आँखें जो है ना खिड़कियाँ है, इस खिड़कियों से सारा दिखाई पड़ता है अंदर है। और किसी को देखना हो आप इस आंखों के द्वारा देख, ब्रह्मा बाबा का या सा मामा बाबा सामने है ना, देखो उनकी दृष्टि में कितना प्यार है, कितनी सच्चाई है, भगवान के लिए प्यार है, हम बच्चों के लिए प्यार है, क्यों मन में हर बच्चे का कल्याण हो गया, बस जैसे है वैसे है,
गरीब है, शाहूकार है, बीमार है, बुढ़ा है, कोई भी धर्म वाला है, जाति वाला है, बाबा मामा के प्यारे हैं, हम प्यार पाया है। आज मनोहर दादी ने सुनाया होगा ना आपको, बाबा की बातें सुनाई ना आपको मनोहर दादी ने, हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है। तो जो सुनने को मिली है वो कर लेवे तो कितना भला, कहेंगे हम तो मधुबन में गए, शांतिवन में, कितना अच्छा अच्छा न सिर्फ सुना पर दिल में लगा। जो बात दिल को लग गई वो दिल से निकलती नहीं है। तो खराब बातें जो दिल में थी उसकी सफाई हो गई। अब सच्ची दिल से शिव बाबा को याद करना, हिम्मत रख करके मदद भगवान की लेना। तो जैसा विचार करेंगे, सच्चा संकल्प करेंगे, ऐसा बन जाएंगे, हा? बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा अपने आप को बड़े अपने ऊपर अपना मित्र बनना, भगवान को अपना मित्र बनाना, क्योंकि अपना मित्र आप है, अपना शत्रु आप है। अगर बुरा करते हैं तो हम अपना शत्रु है, अगर सुधर जाते हैं अपना मित्र है। अगर हम अपना मित्र है तो भगवान भी हमारा साथी है, फिर क्या होगा, दुनिया भी हमारी मित्र है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो हमारा दुश्मन हो, है ही नहीं। हम सब, हमारे लिए सब के लिए संभावना है, क्यों, कुछ चाहिए नहीं किससे, कोई भी है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो पुराने विक्रम जो मैंने पाप किए थे ना, युग से नाश हो गए। अभी कोई करा हिसाब किताब था, चुक तू कर दिया, माफ़ी मांग ली। अभी सबके साथ पाप कर्म की लेन देन नहीं है। पाप कर्म किसके कारण मैं करूं या मेरे कारण कोई करे, वो नहीं करेंगे। तो कौन बन गए, मनुष्य रूप में देवता। तो बाबा कहते, बच्चे तुम शिव भोलानाथ के बच्चे हो, वरदाता परमात्मा के बच्चे हो, तो भगवान तुमको ऐसा बनाने चाहता है। तो और कुछ नहीं करो, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, डू नो ईविल, बट थिंक नो ईविल। ऐसे नहीं जो तीन बंदर दिखाते हैं, भाई सी नो ईविल, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, पर सोचो नहीं बुरा, सोचो नहीं। सोचने से हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में आएंगी, मन शांत होगा, भगवान प्यार करेगा, अच्छा बनेंगे, तो दुनिया भी अच्छी तरह से हमको उस फायदा लेंगी। बाकी बुरा बनने की आदत परी है, तो इसलिए संग अन्न का मन, अन्न अच्छा शुद्ध खाएंगे, संग किसका करेंगे, जो देव बनने वाली आत्मा है। तीसरा, समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे, समय सफला करेंगे। तो समय सफला हुआ तो भाग्यवान हो गए। ओके, ओम शांति। अभी 3 मिनट अच्छी तरह से शांत में, भाई लाइट बंद नहीं कर, वाइट नहीं करना, हम शांति, देखे कैसे शांत में बैठते हो एकदम। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, परमधाम में जाना है, मेरा घर तो वही है। नाटक में पाठ पूरा हो गया है, अभी बस आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान बन करके परमात्मा बाप के घर जाएं। दुनिया के भले कैस कलयुग है, पर मैं कलयुग से निकल के ये सब मैं सफला कर दूँ, भगवान के साथ रहूँ। बस हम सबके साथ रहते हुए अकेले हैं, पर एक ईश्वर के साथ है, और आपत में एकता है, बस सब एक है। तो संसार सुखमय हमारे लिए बना, हम संसार को सुखी बनाएंगे, सबका दुख दूर हो जाएगा, शांति फैल जाएगी यहाँ से। तो 5 चीज़ें यहाँ से लेके जाना, पवित्रता,
शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति, पांच चीज़ें यहाँ भरत अंदर से छोड़ के नहीं जाना यहाँ से। देखना फिर से रिपीट करूँ, पवित्रता पे बुद्धि शुद्ध शुद्ध शांत, पवित्रता शांति प्रेम खुशी शक्ति, कभी भी वो कोई मेरे छीन नहीं सकता, भगवान के घर से मुझे मिली है, मेरी पर्सनल चीज़ है, कोई ले नहीं सकता। पांचों चीज़ों अपने पास रखना। ओम शांति।